नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मिठीबा हिंदी विद्यालय के ऑनलाइन लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके पास में आए बेल आइकन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पर अनेबल कर दो, जिससे हमारी चैनल पर आने वाले सब वीडियो आप आसानी से देख सकें। आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी मीडियम के कक्षा 9 से हिंदी विषय के दो बैलों की कथा। जो पहला पाठ है वह देखेंगे। इसके लेखक है प्रेमचंद और इसका साहित्य प्रकार है कहानी। तो आइए सबसे पहले हम प्रेमचंद का परिचय देखते हैं। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास है। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं में मूल है। तो यहाँ पर दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने हमें यह बताया है कि यहाँ पर ग्राम्य समाज के, कृषक समाज के जो खेडू थे उनमें और वहाँ जो पशु है उनके बीच में जो आत्मीयता का संबंध है उसके बारे में यहाँ पर हमें लेखक ने बताया है। ग्राम्य समाज में पशुओं के साथ इंसानों का कैसा व्यवहार होता है और वह उन पशुओं के साथ कैसे भावात्मक संबंध से जुड़े होते हुए वह भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता हमें सहज में नहीं मिलती है, उसके लिए हमें बार बार संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर हमें स्वतंत्रता मिलती है। कि यहाँ पर लेखक ने ये कहानी जिस वक्त लिखी गई है उस वक्त हमारा जो ये समाज है वह परतंत्र था, यानी कि हमें स्वतंत्रता के लिए उस समय लड़ाई कर रहे थे, संग्राम चल रहा था, तो इसी वक्त ये कहानी भी लिखी गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें परोक्ष रूप से स्वतंत्रता के लिए जो हमें संघर्ष करना पड़ता है उसके भी दर्शन करवाए हैं। तो यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से भी जुड़ी हुई है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की जो कथा है उस परंपरा का उपयोग और विकास भी किया है। इस कहानी में हमारे लेखक प्रेमचंद जी ने जो एक खेडू थे जिसका नाम है झूरी और उसके जो दो बैल है उसके बारे में हमें बताया है। तो यहाँ पर हम आगे यह जो कहानी है वो पढ़ते हैं। ये जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। कि ज़्यादातर हम देखते हैं कि जानवरों में हम गधे को सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझते हैं। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। कि हम अगर बात बात पे किसी को कुछ कहते हैं, किसी को बात बात पे कुछ कहना होता है तो हम उसे सीधा क्या कह देते हैं कि तुम बिल्कुल गधे की तरह हो, ऐसा कह देते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उससे सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता है। कि यहाँ पर लेखक कहते हैं कि क्या सचमुच गधा बेवकूफ़ है या फिर हम उसके सीधेपन, यानी कि वो ज़्यादा सीधापन दिखाता है, इसीलिए क्या हम उसको ऐसा कह देते हैं, इस ये कह पाना हमारे लिए उचित नहीं है, हम ये निश्चय नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर
हमने जो शब्द के अर्थ है वो भी नीचे दिए गए, वो भी हम साथ में देखते जाएंगे कि निरापद यानी सुरक्षित, सहिष्णुता यानी कि सहनशीलता। यहाँ पर गधा जो है वो सबसे ज़्यादा सहनशील होता है, तो क्या इसके कारण हमने इसे ऐसा बेवकूफ समझ रखा है? इसका निश्चय कर पाना हमारे लिए योग्य नहीं है। गाय सिंह मारती है, ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। कि लेखक कहते हैं कि गाय जो होती है वो भी सिंह मारती है, अगर ब्याही हुई गाय है तो वो तो अनायासी, अगर उसे किसी ने छेड़ दिया, उसके बछड़े को सेड़ा, तो वो भी सिंहनी का रूप धारण कर लेती है, यानी कि वो भी हमें मारने के लिए आ जाती है। और कुत्ता भी जो है वो भी बहुत गरीब जानवर है, पर वो भी कभी कभी क्या करता है कि वो भी क्रोध करता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा है। कि गाय कुत्ता ये सभी क्रोध करते हैं क्या, पर हमने कभी गधे को क्रोध करते हुए देखा है? और गधे को तो हमने ना ही कभी देखा है और ना ही तो कभी क्रोध करते हुए उसे देखा है, ऐसा लेखक कहता है। कि जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो। कि गधे को आप चाहो जितना भी मारते हो, जैसी भी सड़ी हुई घास सामने डाल दो, वो उसके चेहरे पर असंतोष की साया कभी भी दिखाई नहीं देता है। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। कि यहाँ पर लेखक कहते हैं कि गधा जो है वो शायद एकाध बार वैशाख में कुलेल कर लेता है। कुलेल यानी कि क्रीड़ा करना, आनंद से झूमना। तो वो क्या कहते हैं कि वो वैशाख में एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा है। यहाँ पर वैशाख में क्यों वो खुश होते दिखाई देता है? कि वैशाख का जो महीना होता है वो उनके जन्म का महीना होता है, और इसी कारण उसे संस्कृत में वैशाख नंदन कहा गया है। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद यानी कि उदासी, कि उसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी छाई रहती है, और वो स्थायी रूप से हमेशा ही उसका जो चेहरा है वो हमें विषाद से छाया हुआ नजर आता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा है। कि हमने तो इसे सुख और दुख और हानि लाभ किसी भी दशा में बदलते हुए नहीं देखा है, वो हमेशा ऐसा ही रहता है। कहा गया है कि ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए। कि लेखक कहते हैं कि गधे को यह कहा गया है कि ऋषि मुनियों के जो भी सारे गुण हैं वो हमें किसमें पाए जाते हैं? कि वो सब सारे गुण हम गधे में पा सकते हैं, पूरी तरह से उसमें पराकाष्ठा यानी कि अंतिम सीमा तक जो सारे गुण हैं वो हमें गधे में देखने को मिलते हैं। पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है, पर आदमी जो है, इंसान जो है, वो उसे क्या कहता है? कि वो उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। लेखक कहते हैं कि गधे में इतने सारे सद्गुण भरे हुए हैं, फिर भी लोग गधे को सम्मान से नहीं देखते हैं। तो इन सद्गुणों का इतना अनादर हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कि लेखक कहते हैं कि ज़्यादातर हम संसार में सीधेपन से जीने के लिए जाते हैं, तो ये संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। क्योंकि हम ज़्यादा सीधे बनकर संसार में जीने की कोशिश करते हैं, तो सीधे लोगों का इस दुनिया में कोई भी अच्छे से जीने नहीं देते हैं। उसको लोग क्या करते हैं कि उसकी जो सीधेपन की जो बातें हैं, सीधेपन से जो रहने का तरीका है, उसका गलत ही इस्तेमाल करते हैं और उसका फ़ायदा ही उठाते हैं। इसीलिए संसार में ज़्यादा हम सीधेपन से जीने के लिए कोशिश करते हैं तो लोग इसका गलत इस्तेमाल ही करते हैं। तो यहाँ पर हमें गधे में जो सारे गुण है वो यहाँ पर ऋषि मुनियों के साथ हमें उसके गुण देखे हैं। तो यहाँ पर गधा एक सबसे सीधा और अच्छा सीधे साधा जीने वाला जानवर है, उसके बारे में हमने देखा। तो आज की यह कहानी हम यहाँ पर देखेंगे। अगले सेशन में हम बाकी
कहानी की चर्चा करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक और कमेंट करें।